हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और मेरे साथ अंतिम प्रहार की सीरीज देख रहे हैं। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना HRM का पेपर, मैं फिर से कह रहा हूँ ना HRM का पेपर, ना मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का पेपर इस क्वेश्चन के बाहर आता है। मतलब ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहता है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैनेजमेंट कंसेप्ट का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे OB के नाम से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चलता है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो कभी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पूछ लेगा, कभी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पूछ लेगा, कभी रिक्रूटमेंट ही पूछ लेगा, कभी सिलेक्शन ही पूछ लेगा। तो चारों पॉइंट मैं आपको याद करवा देता हूँ, समझाता क्या हूँ मैं, याद करवा देता हूँ। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कॉल फॉर द जॉब, जॉब के लिए आवाज लगाना। भाई साहब 5 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोगों की आवश्यकता है, 10 अकाउंटेंट की आवश्यकता है, 12 लेबर की आवश्यकता है, यही कहलाता है रिक्रूटमेंट, और कोई बड़ा बात नहीं है। जब आप अखबार में कोई ऐड देखते हो कि यहाँ पर 20 व्यक्तियों की आवश्यकता है जिसमें 5 अकाउंटेंट है, 5 MBA के लिए चाहिए, 5 इंजीनियर्स चाहिए, 3 उसमें फोर्थ स्टोर कीपर चाहिए, तो वो रिक्रूटमेंट होता है। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अनाउंसमेंट करना, नोटिफिकेशन इशू करना कि यहाँ पर, और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताना है या जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या टाइटल के बारे में एक्नॉलेजमेंट करना, वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। उन रिक्रूटमेंट में से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 40 लोगों ने अप्लाई करा, 100 लोगों ने अप्लाई करा, उनमें से हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, हमारे बजट के अकॉर्डिंग और उस जॉब के रोल के अकॉर्डिंग, उस जॉब के एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बंदे एलिजिबल होते हैं उनकी स्क्रूटनिंग करना, यानी उनकी छटनी करना, उनका इंटरव्यू करवाना, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट करवाना और उसमें फाइनली हमारे बजट के अकॉर्डिंग उनसे बात करके, नेगोशिएट करके सेलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया, यानी रिक्रूटमेंट में जिन्होंने अप्लाई करा है उसमें से छटनी करके हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कंपनी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हमारे यानी कंपनी, मैंने आपको बोला था अपन कौन है, कंपनी के मैनेजर है, तो कंपनी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और उसके बजट के अकॉर्डिंग बंदों को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल सिलेक्शन वो सिलेक्शन होता है जिसमें हम कंपनी में से ही किसी बंदे को प्रमोट कर देते हैं या डिमोट कर देते हैं, बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे, वो इंटरनल सिलेक्शन हो जाता है। एक्सटर्नल सिलेक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल सिलेक्शन जब हम कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी एजेंट को बोल रहे होते हैं, बाहर कैनोपी लगा के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, अखबार से इंटरव्यू या थर्ड पार्टी में हम डायरेक्टली इंटरव्यू की कॉल आमंत्रित करते हैं, अखबार में ऐड दे रहे होते हैं, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल सिलेक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। सिलेक्शन दो तरीके, वैसे सिलेक्शन के टाइप्स नहीं है, रिक्रूटमेंट के टाइप्स हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आवाज़ तो लगा दी, अब सिलेक्शन हम इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्शन में या प्रोसेस पूछ लेता है तो आपको सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू सबको पता है, ग्रुप डिस्कशन सबको पता है और रिटन टेस्ट, ये 3 ही चीज़ें लिखना है। मेडिकल लास्ट में होता है, वैसे मेडिकल कहीं कहीं होता है, कहीं भी नहीं भी होता है, तो ये 3-4 पॉइंट होता है। अब आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर, ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे से सुन लो। अच्छा, ये डिटेल वीडियो में मैंने काफ़ी और डिटेल के अंदर समझाया है, तो अगर यहाँ की इसकी थ्योरी कम पड़ रही है तो डिटेल वीडियो में काफ़ी होगा। ट्रेनिंग क्या होती है, किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसमें एनहांस करना। यानी कि अब मान लेते हैं स्किल, अब पेंटिंग एक स्किल है, मतलब अभी वॉल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, वो पेंटिंग नहीं मतलब ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल पेंटिंग। अब किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उसको 6 महीना 3 महीना, और एक पर्टिकुलर स्किल में उसको एनहांस कर रहे हैं, यानी स्किल्ड बना रहे हैं। MBA क्या है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं तो कहता हूँ एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मार्केटिंग के लिए बंदों को एलिजिबल कराया जाता है, HR के कंप्लायंसेस सिखा के उनको एलिजिबल कराया जाता है, IT के कंप्लायंसेस सिखा के उनको IT में एलिजिबल कराया जाता है। तो पर्टिकुलर किसी स्किल के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी व्यक्ति को एनहांस करना, उसी स्किल में वो ट्रेनिंग कहलाती है।
क्लियर हो गया। यानी कि ट्रेनिंग क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड की एक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दो मेथड है, एक तो ऑन द जॉब होता है और एक ऑफ द जॉब होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो हम मतलब जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहीं पर हमको जो ट्रेनिंग दे दी जाए, जैसे कि हमें यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड पे वर्क कर रहा हूँ और एक डिजिटल बोर्ड का इंस्ट्रक्टर आया और मुझे समझाया कि सर ये वाइटनर है, आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हो, ये वाइटनर लगा सकते हो, और अगर आपको सिलेक्शन वाइट करना है इरेज तो आप ऐसे इरेज कर सकते हो, है ना, और पूरा इरेज करना है तो ऐसे इरेज कर सकते हो, तो यहीं पर अगर वो मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है कि मेरे को यहाँ से मेरे वर्क प्लेस से हटा के किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार या सिमुलेशन में ले जाकर अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। बात समझ में आ गई? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वहीं पे देना है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बाहर ले जाना है। तो ऑफ द जॉब कहां होगी, सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस ये सारी ऑफ द जॉब होगी, सिमुलेशन एक्सरसाइज, और ऑन द जॉब के अंदर वहीं पे ट्रेनिंग दे दी जाती है। अब डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट इस पॉइंट का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है। ट्रेनिंग फिजिकल एक्टिविटी थी लेकिन डेवलपमेंट मेंटल एक्टिविटी, ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। जैसे कि मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जब आप फिफ्थ क्लास में थे तब आपके सोचने समझने की क्षमताएं कुछ और रही होंगी, जब टेंथ में आए तब कुछ और रही होंगी, जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तब आपके सोचने समझने की क्षमताएं कुछ और रही होगी, तब आप चीज़ों को कुछ कम ढंग से समझ पाते होंगे, लेकिन अब आप MBA कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट होते होते आप चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो मेंटल एक्टिविटी है और ये कंटिन्यूस थ्रू आउट अवर लाइफ चलता रहता है ना। तो डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक मोटिवेशन की और एक डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लेबर एज ए ज्वाइन करा और एज ए मैनेजर उसको रिटायर्ड करना है तो उसकी डिसीजन पावर, उसका नॉलेज, उसका एजुकेशन, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हुए चलना। जैसे कि एक बच्चे को अगर मेरे को सिखाना है, अगर मैं मैनेजमेंट साइंस सिखाऊं और अगर कोई मान लेते हैं फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है और उसको ये सारी की सारी अगर मैनेजमेंट के फंडे सिखाऊंगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा ये चीज़ें ग्रैप करने में, और जैसे कि अब मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको उससे कंपेरेटिवली कम टाइम लगेगा, है ना। टाइम तो लगता है क्योंकि इंसान का ह्यूमन ब्रेन है तो टाइम तो लगता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, स्टूडेंट है हम, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है तो टाइम लगता है। तो बट एज ए कंपेरेटिवली आप करोगे अर्लियर ऐसे, अगर हम खुद से ही कंपेयर करते हैं तो कम टाइम लगता है। तो डेवलपमेंट के अंदर हम मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय की उसकी लर्निंग की कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको लर्निंग की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी ग्रैपिंग जो पावर होती है वो बढ़ाता है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी जो थ्रू आउट देयर लाइफ चलती रहती है, कभी एंड नहीं होती, और ये मेंटल काइंड ऑफ एक्टिविटी है ना। बट ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग को आप जज कर सकते हो क्योंकि फिजिकल काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, किसी ने 5 यूनिट बनाई, किसी ने 6 यूनिट बनाई। अब मेंटल काइंड ऑफ एक्टिविटी आप किसी की ग्रैपिंग पावर जज नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है उसने जो ग्रैप किया वो सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनको समझ में सब आ जाता है लेकिन बोलने का कहते हैं तो अरे सर रहने दीजिए, है ना। बट बहुत सारे स्टूडेंट बोलने को बहुत आ जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो बहुत से वैसा वर्षा चलता है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी। ट्रेनिंग इज अ फिक्स टाइम एक्टिविटी। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हो, MBA आज करना शुरू किया है सर 2040 तक तो हो ही जाएगा। तो ट्रेनिंग जो है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, 2 साल 3 साल, MBA 2 साल में ही करना है ना। तो ट्रेनिंग फिक्स टाइम पीरियड के लिए है जबकि डेवलपमेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी है, फिजिकल है मेंटल है ना। और ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आप समझ गए, रिक्रूटमेंट का कॉल फॉर द जॉब और सेलेक्ट यानी कि जो इम्प्लॉयज में अप्लाई करा उनमें से सेलेक्ट करना थ्रू वेरियस चैनल्स, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल राउंड या मेडिकल राउंड, ठीक है। बस सिंपल ही बात है, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन और लाइन एंड स्टाफ वाला मेरे दिल के बहुत करीब है और बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।